दोस्तों आज काफी दिनों बाद लेकर आया हूं आप लोगों के लिए गेमिंग न्यूज का एक और फ्रेश एपिसोड। और आज का गेमिंग न्यूज का एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है, यानी कि हमारा 50th एपिसोड होने वाला है। तो लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं गेमिंग न्यूज, इतना डिले ना हो। और यार ये डिले इसलिए भी हुआ क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में इतनी सारी गेम्स रिलीज हुई थी, उनका रिव्यू करना, उन्हें परचेस करना, इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया मुझे गेमिंग न्यूज लेकर आने का। लेकिन आज हाजिर हूं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमो कार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले न्यूज पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं सोनी प्लेस्टेशन 4 के बारे में। PS5 के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसी गेमिंग न्यूज में बताऊंगा जो मैंने टाइटल में लिखा है। लेकिन सबसे पहले आप PS4 के बारे में जान लीजिए कि जो भी लोग अभी भी PS4 परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे तो आपको पता है कि अभी उस पर भी शॉर्टेज चल रही है, उसके भी प्राइस ड्रॉप नहीं हुए हैं, PS5 के बाद ही ड्रॉप होंगे। लेकिन जो PS4 अगर परचेस करने की सोच रहे हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि आगे सोनी कंपनी इनके लिए गेम बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सोनी के जो CEO है जिम रियान, उन्होंने बता दिया है कि वो PS4 के लिए अभी 1-2 साल तक गेम डेवलप करते रहेंगे। यानी कि सोनी की जो प्लेस्टेशन गेम है वो आप लोगों को मिलती रहेगी खेलने के लिए बैकवर्ड कंसोल पर भी। और इसमें आपको पता है कि होराइजन का सेकंड पार्ट तो आ ही रहा है, फॉरबिडन वेस्ट, इसके साथ साथ रैचेट एंड क्लैंक भी है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को और भी टाइटल्स खेलने को मिलेंगे। वो टाइटल कौन से होंगे, उसमें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक होगा नहीं होगा, चांसेस तो हैं, मोस्ट प्रोबेबली कंपनी कहीं ना कहीं ये क्लेम कर रही है इनडायरेक्ट वे में कि आपको मिल सकता है खेलने को ये पार्ट भी। क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कंपनी का हमेशा से ये रहा है कि कोई भी अगर वो नई AAA सीरीज शुरू करती है तो उसके हमेशा 2 टाइटल एक कंसोल पर प्रोवाइड कराती है। अगर मैं बात करूँ, जैसे आप ले सकते हैं द लास्ट ऑफ अस को, तो द लास्ट ऑफ अस 1 और 2 आपको PS4 पर मिल गया खेलने को। ऐसे अनचार्टेड भी मिली थी, अनचार्टेड के तो बल्कि 3 पार्ट मिले थे खेलने के लिए। तो इसी तरह से कंपनी चाहती है कि आप लोगों को गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक भी मिल जाए, लेकिन अभी इस चीज के लिए श्योरिटी नहीं है। 2 टाइटल्स का तो मैंने बता दिया, लेकिन गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेलने वाले लोग भी थोड़ा सा तो खुश हो ही सकते हैं कि PS4 पर अगर ये गेम भी उन्हें स्पाइडरमैन की तरह खेलने को मिल जाए। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि कंपनी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक को PS4 पर भी डेवलप करेगी, उस पर भी ऑप्टिमाइज करेगी, कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड न्यूज पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं साइबरपंक 2077 के बारे में। आप लोगों को यार पता ही है कि ओल्ड जन कंसोल पर यानी कि PS4 और Xbox One पर कितने ज्यादा बग्स देखने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से कंपनी को भी बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ा। मतलब $1 बिलियन से ज्यादा कंपनी को लॉस हो चुका है अभी तक सिर्फ इन्हीं बक्सेस की वजह से, जबकि बहुत सारे अपडेट्स में बक्स फिक्स किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं जो करंट यूजर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर बता दिया है कि आने वाले अपडेट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी, बट मुझे इसके चांस थोड़े से कम ही लगते हैं क्योंकि ये गेम कहीं ना कहीं अच्छे से ऑप्टिमाइज ही नहीं हुई है करंट कंसोल के लिए, जो भी हमारे PS4 और Xbox One है। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यू जन कंसोल की, जैसे PS5 और Xbox Series X, कमाल की बात है कि ये गेम अभी तक उस पर डेवलप ही नहीं की गई। जितने भी लोग खेल रहे हैं इंक्लूडेड मी, जैसे मैंने ये गेम PS5 पर पूरा एंड किया है, तो मुझे भी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी वाली गेम खेलने को मिली है, जो इसकी पूरी ओरिजिनल गेम होगी वो अभी तक लॉन्च ही नहीं की गई है। और उसकी जो लॉन्च डेट है वो है नेक्स्ट ईयर, रिलीज डेट कंपनी ने कंफर्म नहीं की, लेकिन उसमें बताया गया है कि जब भी ये गेम PS5 और सीरीज एक्स पर आएगी तो इसमें कुछ न्यू मोड्स भी इंप्लीमेंट किए जाएंगे और उसके साथ इसे दोबारा से रिलीज किया जाएगा। तो यार जब भी आएगी मैं इसका इनहेंस वर्जन भी जरूर खेलूंगा। और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट करके बता दो कि जिन लोगों ने इस गेम को PS4 या Xbox One पर परचेस किया हो तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस गेम को खेलने का। थर्ड नंबर पे दोस्तों मैं बात करूंगा टर्मिनेटर रेजिस्टेंस गेम के बारे में, जो कि एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, और ये गेम 15 नवंबर 2019 को रिलीज की गई थी करंट कंसोल पर PS4 और Xbox One, लेकिन अब इस गेम को इनहेंस वर्जन में PS5 के लिए भी रिलीज किया जा रहा है। अगर आप ये गेम PS5 पर खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 26 मार्च 2021 का वेट करना होगा, लेकिन आप अभी भी अगर चाहें तो इसे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की मदद से प्ले कर सकते हैं अपने PS5 या सीरीज एक्स में, लेकिन उसमें उतने अच्छे ग्राफिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा Among Us गेम के बारे में। आप लोगों को पता ही कि आज की डेट में इस गेम की क्या पॉपुलैरिटी है, गेम ऑफ द ईयर के लिए भी गेम नॉमिनेट हुई और उसके बाद इसने अवार्ड्स विन किया मोबाइल कैटेगरी में। और अब आप लोगों को ये भी अच्छे से पता है कि इसका नया मैप आ रहा है एयरशिप के नाम से, लेकिन शायद आप लोगों को ये ना पता हो कि अब ये गेम निंटेंडो स्विच पर भी अवेलेबल कर दी गई है। तो यानी कि जो लोग निंटेंडो स्विच यूजर्स हैं इंडिया में, तो मेरे हिसाब से काफी कम ही लोग होंगे, अब उसे उस पर भी खेल सकते हैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने
ये नहीं बताया कि क्या इसके अंदर क्रॉस प्ले हो सकेगा या नहीं, यानी कि स्विच यूजर्स और पीएस यूजर्स, एक्सबॉक्स वन या मोबाइल वाले यूजर्स साथ में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। मुझे तो इसके चांसेस कम ही लगते हैं। बाकी आप लोग बताओ कि आप इस गेम को सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पर इंजॉय करते हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिनके पास भी एक्सबॉक्स वन है या सीरीज एक्स है, जो भी हो, आपको गेम पास में ये गेम फ्री मिली है इस बार, तो आप इसे वहां पर भी फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा रेजिडेंट इविल विलेज के बारे में, जो कि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर की मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम है। कैपकॉम बहुत टाइम से यार रेजिडेंट इविल सीरीज को एक अलग ही लेवल पे लेके चला गया है, और इसके रीमेक वर्जन तो मैं पसंद आती है, लेकिन ये एक ओरिजिनल सीरीज आ रही है 7 के बाद से, तो इसलिए भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि प्योरली हॉरर टाइटल होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी ने इसके कुछ न्यू स्क्रीनशॉट्स रिवील किए हैं, जो कि आप देख ही पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इन्हें देखने से तो यार ऐसे लगता है जैसे ये स्क्रीनशॉट PS5 पर कैप्चर किए गए हों। 6 पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स कंपनी के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर एक नई कंपनी को परचेज कर लिया है कोड मास्टर नाम की। कोड मास्टर कंपनी को शायद आप लोग नहीं जानते, तो मैं बता दूं कि इन्होंने डर्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमस है इनकी, और अभी आपको डर्ट 5 पता ही होगा कि गेम रिलीज हुई थी, तो ये कोड मास्टर कंपनी की तरफ से आती है। इसके अलावा इनकी प्रोजेक्ट कार सीरीज भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो अब EA ने इसे पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है, और इनकी जो डील हुई है वो हुई है $1.2 बिलियन में। तो जिस तरह से यार बेथेस्डा को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया था, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने कोडमास्टर को अपने अंडर कर लिया है। तो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको EA मेंबरशिप के अंदर कोडमास्टर की भी सारी गेम फ्री में खेलने को मिल जाए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में, जिसका एक नया सीजन आ रहा है, 13th सीजन है ये, और जिसमें आपको एक नया मैप भी देखने को मिलेगा जिसका नाम इन्होंने दिया है स्नो रीजन। और इसमें कंपनी ने बहुत सारी नई नई चेंजेस किए हैं, और बताया तो ये भी जा रहा है कि जो लोग मोबाइल पर इसे खेलेंगे उन्हें कहीं ना कहीं कंसोल वाला फील आएगा। मतलब मैप को जो डिजाइन किया गया है वो बिल्कुल बहुत ही रियलिस्टिक वे में बनाया गया है, वो तो यार टाइम आने पर ही पता चलेगा जब इस मैप को खेला जाएगा। इसकी जो रिलीज डेट बताई जा रही है वो है 22nd दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को आप इस मैप को डाउनलोड करके खेल सकते हैं। 8 पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा मार्वल स्पाइडरमैन गेम के बारे में। आप लोगों को पता है कि ये गेम सितंबर 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी इसमें एक नया अपडेट आया है, लेकिन ये अपडेट मार्वल स्पाइडरमैन यूजर्स के लिए नहीं है। स्पाइडरमैन का जिन्होंने रिमास्टर्ड वर्जन परचेस किया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों ने परचेस किया होगा, क्योंकि PS5 वैसे इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, उसके अलावा इस गेम को परचेस करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आप सेपरेटली रिमास्टर्ड वर्जन परचेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अल्टीमेट एडिशन ही लेना पड़ेगा, यानी कि माइल्स मोरेल्स और ये इकट्ठी ही आपको साथ में मिलेगी। मैं भी ये चाह रहा था यार रिमास्टर्ड वर्जन अलग से परचेस करूं, लेकिन अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं यहां पर ये बता रहा था कि रिमास्टर्ड वर्जन में इन्होंने एक रे ट्रेसिंग वाला अपडेट डाला है, जिसके अंदर आपकी जो क्वालिटी है और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। पहली बात तो यार मार्वल स्पाइडरमैन ही जो लोग PS5 पर खेलकर देखेंगे उसकी एक क्वालिटी बहुत अलग है, जिसका आप छोटा सा डेमो यहां पर देख भी सकते हैं। मतलब एक अमेजिंग क्वालिटी आ रही है निकलकर। मैंने तो खुद क्योंकि ये गेम खेली है, और उसका भी मैंने रिसेंटली गेम प्ले अपलोड किया था नमोकार लाइव गेमिंग चैनल पर, एक बार को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने PS4 की जो गेम है PS5 में चला दी तो ऑटोमेटिकली वो रिमास्टर्ड हो गया, लेकिन वो रिमास्टर्ड नहीं है, मुझे भी बाद में पता चला इसके बारे में। तो यार जब इसकी क्वालिटी ऐसी आ रही है तो आप सोच कर देखो रिमास्टर्ड वर्जन की क्वालिटी कैसी आएगी। और मैं बहुत जल्दी इसकी भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ PS5 पर रिमास्टर्ड वर्जन की। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बार जरूर कहूंगा कि अगर आपने नहीं देखा नमोकार लाइव गेमिंग चैनल पर ये गेम प्ले तो जाकर देखो यार। आज हमने अनचार्टेड 4 का भी गेम प्ले अपलोड करके डाला है PS5 पर, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना उन्हीं वीडियो के नीचे कि आपको क्वालिटी में कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आया है यार। लास्ट सेकंड पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा एपिक गेम स्टोर के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को पता चली गया होगा कि 15 दिनों तक आपको हर दिन एक एक नई नई गेम फ्री मिलेगी। अब ये सारे AAA टाइटल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो मिल रहा है यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक आईडी नहीं बनाई है एपिक गेम स्टोर पर तो जाकर बना लो और इन सारी गेम्स को फ्री में क्लेम कर लो। और अब चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट पॉइंट पर, जिसका मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है PS5 की रिलीज डेट से रिलेटेड। आपको पता ही है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बनाते ही रहते हैं, PS5 के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि यार PS5 इंडिया में रिलीज कब होगा। कंपनी भी रोज नए नए ट्वीट करती रहती है, और IGN इंडिया भी बताया है कि उसने कि लास्ट दिसंबर में इसके प्री ऑर्डर वगैरह शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर की खबर है वो यही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी कुछ टाइम तक। मतलब जनवरी में जिन लोगों को लग रहा है कि PS5 इंडिया में रिलीज हो जाएगा ऑफिशियली,
तो भाई 99.9% इसके चांसेस नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि PS5 अगर जनवरी में रिलीज होना था तो उसके प्री ऑर्डर अभी तक शुरू हो चुके होते, और अभी तक प्री ऑर्डर शुरू ना होने का मतलब ये है कि बहुत ही कंपनी के पास लिमिटेड स्टॉक है। और यहां पर सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी शॉर्टेज चल रही है PS5 को लेकर। लेकिन यह बात सच है कि PS5 इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उसके लिए मेरे हिसाब से आपको फेब तक तो वेट करना ही होगा। जनवरी में भी आ सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा। जब भी आएगा उसका भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, और कहां से आपको प्री ऑर्डर कराना चाहिए वो भी बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जनवरी में प्री ऑर्डर स्टार्ट होते भी हैं या लोगों को मिलना शुरू होता भी है तो वो भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में जैसे हम PS4 को जाकर परचेस करते हैं, अमेजोन वगैरह से हमें मिल जाता है इजिली, तो उसके लिए आपको फेब तक का तो वेट करना ही होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि PS5 के जनवरी में मिलने के कितने चांसेस हैं। मैंने अपने ओपिनियन से बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि फेब मंथ से पहले PS5 इंडिया में इसलिए अवेलेबल होने वाला है। आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ना आ पाऊं, क्योंकि यार मेरे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनका काम मैं नहीं कर पा रहा था, मतलब बहुत सारे जो मेरे चैनल्स के काम पेंडिंग है और मेरा टाइम सारा गेमिंग चैनल में चला जाता है। इसी चक्कर में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, बहुत लंबा ब्रेक नहीं है। जब भी मुझे लगेगा कि आज रात को मैं फ्री हूं तो मैं लाइव स्ट्रीम के लिए जरूर आऊंगा, उसके लिए आप चिंता मत करो। लेकिन अगर आप इतने मेरे गेम प्ले वगैरह एंजॉय करना चाहते हो तो आप नमो लाइव गेमिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी गेम प्लेस वगैरह हैं वहां पर हम आप लोगों को फुल प्योर क्वालिटी में, जो क्वालिटी होती है ना कि हाँ यार हमने नेक्स्ट जन कंसोल परचेस किया है, तो वो एक्चुअल की जो क्वालिटी है वो आप नमोकार लाइव गेमिंग चैनल पर एंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बहुत दिनों से मेरा Q&A का वीडियो भी नहीं आया है, और आप लोगों के काफी सारे सवाल हैं जो आप लाइव स्ट्रीम में और वीडियो में मुझसे पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो के नीचे जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं आप मुझसे पूछ लीजिएगा #Q&A करके, तो मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट Q&A की वीडियो में। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।